जय श्री महाकाल। आदेश, मैं चंद्रनाथ अवधी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंद्रनाथ अवधी शिव शक्ति साधना केंद्र शिव शक्ति धाम में स्वागत करता हूं। चलिए आज की जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो लेके आए हैं हम गुरु पूर्णिमा स्पेशल। जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा है और दीक्षा सानिध्य शिविर लगने जा रहा है और ये 3 दिवसीय दीक्षा शिविर है, जिसमें 20 तारीख को आपको आना पड़ेगा, 21 को दीक्षा दी जाएगी, 22 को आपको दीक्षा में जो मंत्र दिए जाएंगे उनका विधि विधान और गुरु मंत्र का कितना जाप करना है, कैसे हवन करना है, कैसे गुरु मंत्र को प्रैक्टिकल करना है, गुरु मंत्र से क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको 22 तारीख को समझाई जाएंगी। और एक्स्ट्रा आप 1 या 2 दिन और विजिट कर सकते हैं आश्रम में, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आप शिव शक्ति धाम से जुड़ते हैं, शिव शक्ति धाम से दीक्षा लेते हैं, शिव शक्ति धाम में आकर और तंत्र साधनाओं का ज्ञान लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम गुरु पूर्णिमा पे जो दीक्षा दे रहे हैं और जो शिष्य आ रहे हैं, जो नए शिष्य आ रहे हैं और जो पुराने शिष्य हैं, उनको क्या प्राप्त होने वाला है, ये बहुत मायने रखता है। तो आज वीडियो के माध्यम से हाँ आप इस शिविर में भाग लेते हैं तो आपको क्या आश्रम से प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा और क्या चार्ज होगा, वो सारी चीज़ें आपको हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। और आने के लिए क्या क्या चाहिए, आप कैसे आ सकते हैं शिव शक्ति धाम में और कैसे दीक्षा शिविर में भाग ले सकते हैं और कौन कौन आ सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो कोई भी मेल फीमेल साधक साधिका हमारे शिव शक्ति धाम में आकर दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं अघोर मार्ग से, जिसमें सात्विक और तामसिक और राजसिक सारी साधनाएं कराई जाती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है साधक के कि आप कौन से मार्ग में जाना चाहते हैं, तामसिक या सात्विक में, ठीक है। क्योंकि हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं करते कि आप तामसिक देवी को पूजिए, वो आपकी खुद की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सात्विक हैं, आप ब्राह्मण हैं, या आपके घर में मांस मंदरा तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं होता है, या आपकी कुलदेवी सात्विक है, आप तामसिक भोग नहीं देते हैं, तो आप सात्विक भी पूजा कर सकते हैं। सात्विक विधि विधान के साथ भी साधनाएं शिव शक्ति धाम में कराई जा कराई जाती है, ठीक है। और जो लोग तामसिक करना चाहते हैं, जिनकी कुलदेवी तामसिक है, कुल देवता तामसिक है, मुर्गे बकरे चढ़ते हैं, बोतल चढ़ती है, देखिए आज भी हमारे पूरे भारत में और हर राज्य में और हर जिले में सात्विक और तामसिक, सात्विक कम मिलेंगे और तामसिक देवी देवता ज़्यादा मिलेंगे। उसके पीछे का रीजन है कि जो कुल देवी कुल देवता होते हैं ये अधिकतर तामसिक होते हैं, जितनी मसानी है वो तामसिक है, ठीक है। और जितने कुल देवता हैं जैसे गोगा जहार वीर हैं, उनको भी बकरा चढ़ता है क्योंकि उनके बकरे की कंदूरी होती है। और जैसे कोई भी गंगाराम अघोरी भी कुल देवता है, मनसाराम अघोरी कुल देवता है लोगों के, और आपके माँ आशु मेहतानी कुल देवी हैं, शीतला मसानी कुल देवी, और हमारे नॉर्थ इंडिया यानी पश्चिमी ये अपना नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में जो अपना ये यूपी बेस्ट यूपी पड़ता है, यहाँ 95 लोगों के घर चौगानन माता पूजी जाती है, शीतला और चौगानन यानी चौराहे वाले कुल देवता के रूप में जहार वीर और तुम्हारे पांचों बावरी और पवन बामंडो ये सारे पूजे जाते हैं। तो उसके आधार पे ही आप साधना करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तामसिक करना और सात्विक करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से कोई आपको प्रेशर नहीं देता है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि सात्विक और तामसिक और इसमें साधक और साधिका कोई भी आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सीधा आश्रम के 2 नंबर हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके
पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी तो इस वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं। सीधा कॉल कीजिए, कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन करा के आपका आधार कार्ड, कोई भी वोटर आईडी हमें व्हाट्सअप करनी होती है और एक फोटो व्हाट्सअप करना होता है, उसके बाद हम एंट्री कर देते हैं और फिर आपको डेट और एड्रेस दे दिया जाता है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे हमने आश्रम का एड्रेस पब्लिक नहीं किया है, क्योंकि अभी आश्रम में कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। जब दरबार लगना शुरू हो जाएगा, गद्दी लग रही है अभी, ठीक है, शनिवार टू शनिवार, लेकिन फिर दरबार लगेगा, हम सोशल मीडिया पर एड्रेस पब्लिक कर देंगे। अभी प्राइवेसी है, अभी प्राइवेट रखा है, इसलिए लोग जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। अब इस आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आपको अगर आप दीक्षा लेते हैं तो सवाल होते हैं सब साधकों के हमें आश्रम से जुड़ के क्या बेनिफिट होगा। तो भाई यहाँ पे कोई आपकी पॉलिसी तो नहीं की जा रही है, शिव शक्ति धाम है और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा कि आप इधर उधर ना जाके शिव शक्ति धाम से जुड़े। यहाँ पे तंत्र साधनाएं भी कराई जाती हैं। कितना पुराने से पुराना तंत्र वादा हो, प्रेत वादा हो, किया हो, कराया हो, कोई भी तंत्र से रिलेटिव, निगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी से रिलेटिव कोई भी आपकी समस्या है तो यहाँ हर समस्या का समाधान किया जाता है। और एक बार आप जुड़ जाते हैं शिव शक्ति धाम से तो जीवन भर आप पे कोई तंत्र वादा नहीं कर सकता। आप हमारे अगर आश्रम के और हमारे दिए गए नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं तो कितनी पुरानी से पुरानी तंत्र वादा, प्रेत वादा, किया कराया, कुछ भी अगर समस्या है तो उसका निदान सोते ही हो जाएगा। आप गुरु दीक्षा लेके गुरु मंत्र का जब जाप करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट यहाँ पे कोई आपको ये नहीं बोल रहे कि आप करोड़पति बन जाएंगे शिव शक्ति धाम से जुड़ के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब शक्तियों की कृपा होती है, गुरु कृपा होती है तो हर चीज में तरक्की सोते ही हो जाती है, स्वयं ही व्यक्ति तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। नहीं तो अगर तंत्र बाधाओं जैसी समस्याओं से ग्रस्त आदमी लाखों रुपये, कई कई लाख रुपये खर्च कर देते हैं तब भी उनका समाधान नहीं मिलता है। ऐसी सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी शिव शक्ति धाम से। और आप अगर दीक्षा लेते हैं, दीक्षित होने के बाद आश्रम से आपको ये पैकेज होता है, इसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी हैं हमने ताकि हम पहले नहीं करते थे, लेकिन अभी हमने क्या है ना, फीस भी कम कर दी है और उसमें हम कुछ चीजें सामग्री आपको प्रोवाइड कराएंगे आश्रम की तरफ से ताकि आप मार्केट से ना खरीदें और यहाँ आश्रम से ही आपको उपलब्ध हो और वो 100% शुद्ध और संस्कारित, मतलब शुद्ध होनी चाहिए और जेन्युइन ओरिजिनल होनी चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाएगा जो हम साधना मार्ग में सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। आप आश्रम से ये पैकेज में रहना, खाना पीना और दीक्षा और उसके साथ कुशा आसन जो हमेशा अलग से मिलता था और माला हमेशा अलग से मिलती थी वो इस शिविर में, इसी पैकेज में हमने ऐड कर दिया है। कुशासन और रुद्राक्ष माला इसी शिविर में हमने ऐड कर दिया है। और शिव शक्ति साधना केंद्र से जुड़ने के बाद, दीक्षा लेने के बाद आप कोई भी साधना करते हैं तो वो निशुल्क होंगी और सानिध्य शिविर ज्वाइन करते हैं तो केवल यहाँ पे आप जो रहने खाने पीने का चार्ज, ये इतना बड़ा आश्रम बना दिया, जब जगह नहीं थी तो रेंट पे लेनी पड़ी या फिर कुछ भी व्यवस्था करना बड़ा हो जाता था, इम्पॉसिबल हो जाता था। आज आश्रम में सारी व्यवस्था है, खाना बनाने वाले हैं, सफाई वाले हैं, सेवादार हैं, ठीक है। तो आपसे वो ही हमारा जो मोटिव है, उद्देश्य है शिव शक्ति धाम बनाने का, सभी लोगों को सनातन से जोड़ने का है। जो लोग भटक रहे हैं अभी, क्या है ना, एक सनातन को तोड़ने के नई नई रणनीति चल रही है और ये सब सनातन को भटकाने के लिए और धर्म परिवर्तन कराने के लिए चीजें चल रही हैं। आपने के क्या होता है, किसी व्यक्ति पे भूत वादा है, प्रेत वादा, क्योंकि इसके सबसे पीछे, उसके पीछे का रीजन भी हम ही है। कौन? उसके पीछे का रीजन ही हम ही सनातनी है, क्योंकि तंत्र मंत्र का ज्ञान आज कुछ ही लोगों के पास है, बाकी तो कुछ एक दो मंत्र सिद्ध कर लिए या फिर किसी से दीक्षा ले ली या खुद से भी खुद तांत्रिक बन जाते हैं लोग,
तंत्र को मजाक समझ बैठा है, मतलब तंत्र को मजाक बना के रख दिया है। और दूसरी बात, हर गांव देहात या फिर आपको कोने पे ज्योतिषी, जो ज्योतिषी होते हैं, पंडित होते हैं, जिनको केवल ज्योतिषी का ज्ञान, कुंडली देखने का ज्ञान होता है, वो भी भूत भगा रहे हैं, वो भी वशीकरण कर रहे हैं, वो भी किसी की तंत्र बाधा काट रहे हैं। अरे जब आप लोगों को आता नहीं, तो आप हमारे उन लोगों को, ये जो लोग हैं, ये डिमोटिवेट होके फिर जाते हैं, चर्च जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 10 हिंदुओं को दिखाया, 2-3 हिंदुओं को दिखाया, किसी सनातनी को दिखाया, किसी से काम ही नहीं हुआ। अब कोई मौलवी हो तो मौलवी को बताइए, अब ये मजारों पे जाना चालू कर देंगे, मौलवियों के पास, मौलानाओं के पास चालू कर देंगे, फिर ये चर्च में जाना चालू कर देंगे। और इन दोनों धर्म का, ठीक है, इन दोनों धर्म का एक ही कारण है कि हिंदुओं को तोड़ो, उनकी प्रॉब्लम्स का फायदा उठाओ। एक बार अगर इनके चक्कर में, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं भी, ये कुछ पंजाब साइड में की वीडियो आ रही है कि हाथ रख दिया, हू भूत खेल गए, हू तुझे ये हो जाएगा, तेरी 5 साल की भविष्यवाणी ये कर दी, ये ऐसे डीमोटिवेट करते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं व्यक्ति का, वहां का माहौल, इनके जो अनुयायी होते हैं, वहां के जो सेवादार होते हैं, वो इन्हीं के होते हैं, और वो उन लोगों को ऐसा फंसाते हैं कि वो लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, आप भगवान की पूजा करना बंद कर दो, आप देवी देवताओं की तस्वीरें निकाल दो, आप सुबह सुबह प्रार्थना किया करो, यीशु को याद किया करो, पीरों को याद किया करो, फलाने की अगरबत्ती जलाओ, फलाने का ये फातिया पढ़ो, कलमा पढ़ो, आयत पढ़ो, ठीक है, ये इत्र लगाओ, ये परफ्यूम लगाओ, लोवान का धुआं दो, इस चीज का धुआं दो, उस चीज का धुआं दो, ये बजाय निगेटिव एनर्जी निकालने के आपने आपके घर पे और ज्यादा निगेटिविटी फैला देते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो सनातनी है वो टूट रहे हैं, और ऐसे चंद लोगों के कारण। जब आपको कुछ आता नहीं, महाराज तो लोगों को भटकाइए मत, विश्वास हो रहा है, ये बड़ा लंबा इस, मतलब लोगों को तोड़ने का, सनातन को तोड़ने का, ये बहुत ही अंदर की जो राजनीति, ये ट्रिक है गैर सनातन धर्मियों की। और हमारा यही उद्देश्य है कि जो हमारे सनातनी भटक रहे हैं और ऐसी जगह परेशान है, मैं कहता हूं शिव शक्ति धाम आश्रम है हमारा उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में, चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति धाम पीठाधीश्वर। अगर आप तंत्र बाधा से ग्रस्त हैं, कितने ही समय से किसी ने कोई भी समस्या अगर आपको या आपके रिश्तेदार को, किसी रिलेटिव को, मिलने वाले को है, तो एक बार शिव शक्ति धाम में विजिट कीजिए, शिव शक्ति धाम में आइए और दादा गुरु महाराज का आशीर्वाद लीजिए, माँ आशु महतरानी, महामाई, माँ जगजननी, आदि शक्ति साक्षात आपके सभी कष्टों को हरेंगे और दादा गुरु महाराज आपका कल्याण करेंगे। और भटके ना और जुड़े, बस यही हमारी मुहिम है। तो जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, इसमें आपको हम दीक्षा में गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, भैरव मंत्र, गणेश मंत्र, तंत्र का बेसिक से हम आपको तैयार करेंगे। बेसिक से तैयार करने के बाद आप भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के, यानी किसी भी राज्य के, किसी भी जिले में, किसी भी गाँव में, किसी भी तहसील में जाके आप अगर काम करें, तो शिव शक्ति धाम का परचम लहराए और आप शिव शक्ति धाम से दीक्षित है, शिव शक्ति धाम से आपने तंत्र साधना है या तंत्र का वैशिक ज्ञान लिया है, उसका परचम लहरा सकें और हमारी इस मुहिम के आप हिस्सा बन सकें। कोई भी माता बहन इस शिविर में भाग ले सकते हैं और एक ही बार फीस जमा करना है, फिर आप तमाम उम्र के लिए, पूरी जिंदगी के लिए, जब तक हम हैं और हमारे बाद भी, शिव शक्ति धाम सभी भारतवासियों और सभी सनातनियों के लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहेगा। और सभी लोग जुड़िए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शिव शक्ति धाम एकमात्र ऐसा स्थान है, ऐसा संस्थान है जहाँ पे आपको तंत्र का वैशिक ज्ञान दिया जाता है, दीक्षा दी जाती है, तंत्र साधनाएं कराई जाती हैं, तंत्र बाधा दूर की जाती है, कोई भी आपकी किसी प्रकार की भी घरेलू या बिजनेस की कोई भी समस्या है, सबका निदान यहाँ होता है।
ठीक है। तो ये तो सानिध्य शिविर गुरु पूर्णिमा में कोई भी भाग ले सकता है और मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन प्राप्त हो जाएगा आश्रम से जुड़ने के बाद, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि यहां हवाबाजी कुछ नहीं करते, जो है सत्य है और सत्य ही दिखाते हैं। बाकी जो लोग आना चाहते हैं और जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और उन शिष्यों से जो पुराने शिष्य हैं, सभी से जो आना चाहते हैं बेटा एक बार कॉल कर लेना, कोई चार्ज नहीं है। पुराने शिष्यों के लिए कोई चार्ज नहीं है, एक ही बार जुड़ने का चार्ज होता है, बिल्कुल निःशुल्क है। आइए और ज्ञान प्राप्त कीजिए और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ा के लोगों का कल्याण कीजिए, लोगों की समस्या का समाधान कीजिए। बस हमारा यही उद्देश्य है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो नए लोग आने वाले हैं और जिन लोगों को ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो सोच के बैठे हैं कि मैं करा लूँगा करा लूँगा, तो बेटा रजिस्ट्रेशन करा लो, फिर रिजर्वेशन भी कराना पड़ता है क्योंकि तत्काल ट्रेनें नहीं है, ठीक है। परेशानी होती है, फिर खड़े होके आना पड़ता है, इतने लंबे समय में बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें जो आना चाहते हैं, और 20 गुरु पूर्णिमा की 21 जुलाई की तैयारी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश।